Good morning, dear friends. Once again, I am present here with the same topic, resistance. Here we solve different type of resistance combinations like series and parallel. So let us start the combination of series and parallel resistance. How solve it? First we solve to series or first solve in parallel. Okay, so let's start. See the diagram. Okay, so in diagram or in circuit you see that there are 10 resistance. Some are connected in series or parallel. Okay, so here you see that I write here point A and this is point B. Okay, so and each resistance, say resistance R1, R2, R3, R4, R5, R6, R7, R8, R9 and R10, its value is R1, R2, R3, R10 equal to 10 ohm. Okay, R resistance of same value 10 ohm means R1 is also 10 ohm, R2, R3, R4, every 10 resistance here connected in series and parallel, its value is 10 ohm. So first we see the picture and then we decided to solve first series combination or parallel combination. Okay, so when you go to this point or this point A or B, then here see that suppose I am starting from this point. Okay, on this point you see that current divided in two parts, this and this. Again when current go to forward, then again divided in two parts, again it is also divided in two parts and last in this circuit. Okay, and this current meet here, this current meet here and this current, it means all current meet on this point. Okay, so यहाँ पर करंट डिवाइड तो हो रहा है तो हम ये करेंगे पैरेलल में है, बट यहाँ पर हमें पैरेलल का क्वेश्चन सॉल्व न करके मीन्स पैरेलल के रेजिस्टेंस को सॉल्व न करके सबसे पहले हमें ये देखना होगा कि कहाँ से हमारा ये सर्किट स्मॉल होगा, ब्रेक होगा. ओके, तो आप यहाँ देख रहे हैं जहाँ पर ये चार रेजिस्टेंस कनेक्टेड हैं R7, R8, R9, R10, ये सभी किस में है, सीरीज में, क्योंकि ये जो करंट आ रही है यहाँ पर इसके लिए, इस रेजिस्टेंस के लिए, इस रेजिस्टेंस के लिए, इस रेजिस्टेंस के लिए सेम है. दैट मीन्स ये आपको क्या है, सीरीज में है. तो वैसे यहाँ पर भी देख रहे हैं ये सभी क्या है, R4, R5, R6, इट इज आल्सो इन सीरीज कॉम्बिनेशन. ओके, फिर यहाँ पर भी जब आप आएंगे तो ये जो करंट इसमें इंटर कर रहा है R2 एंड R3 के लिए, इट इज आल्सो इन सीरीज. ओके, और यहाँ पर ये अकेले रेजिस्टेंस है तो इसको छोड़ देंगे. तो ये जो तीनों हैं इन तीनों को सॉल्व करेंगे, और ये तीनों किस में कनेक्टेड है रेजिस्टेंस, अभी सीरीज में, तो सीरीज का आप फॉर्मूला जानते हैं. ओके, तो क्या करेंगे, सबकी वैल्यू जो है 10 ओम है, तो R इस सर्किट के लिए क्या हो जाएगा, टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इस सर्किट के लिए मीन्स R7 प्लस R8 प्लस R9 प्लस R10. जब आप इसको सॉल्व करेंगे कितना होगा, ईच रेजिस्टेंस इज 10 ओम, 10 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 10 विच इज गिव 40 ओम, राइट. ठीक है, बिकॉज ऑल दिस रेजिस्टेंस कनेक्टेड इन सीरीज एंड यू नो दैट द फार्मूला ऑफ सीरीज आर इक्वल टू आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री प्लस आर फोर आर फाइव लाइक दैट. ओके, एस ऑन, तो ये हमने इसको सॉल्व कर लिया और एक रेजिस्टेंस में कनेक्ट कर लिया जिसका वैल्यू कितना हो गया 40 ओम, राइट. ऐसे इस सब इसको सॉल्व करेंगे तो इसका आर टोटल आ जाएगा आर फोर प्लस आर फाइव प्लस आर सिक्स. ठीक है, तो ये 10 प्लस 10 सभी 10 ओम के हैं,
which is equal to 30 ohm. Right? Again, we solve here RT R2 plus R3. Okay, it is also 10 ohm. 10 plus 10, which is equal to 20 ohm. Okay, means ये जो 4 resistance है, ये convert हो गया 1 resistance में, 3 resistance है, convert हो गया 1 resistance में, 2 resistance है, ये भी convert हो गया 1 resistance में. Okay, आपने सिर्फ solve करके सबको एक resistance बना लिया, लेकिन फिर भी आपका जब यहाँ पे एक resistance है, एक ये आ गया, एक ये आ गया, एक ये आ गया, ठीक है? तो इसका अगला circuit क्या होगा? उसको देखिए हम लोग draw करते हैं. इसका अगला जो सर्किट होगा यहाँ पे ड्रा करता हूँ मैं. एक ही हो गया, दो, तीन, एक चलिए यहाँ पर ड्रा करते हैं, चार, कुछ इस तरह से आएगा. ठीक है, ये आपका पॉइंट ए एंड दिस इज पॉइंट बी. ठीक है, ये 10 ओम आया, ये 20, 30 और ये 40 ओम, राइट? अब यहाँ से अगेन आप देख रहे हैं करंट अगर इंटर कर रहा है यहाँ से, तो अगेन करंट डिवाइड हो रहा है. ठीक है, अब ये चारों रेजिस्टेंस किस में हो गए? मीन्स जो इतना बड़ा सर्किट था उसको आपने ब्रेक करके इसमें कन्वर्ट कर दिया, और यहाँ पे कितने आप रेजिस्टेंस देखा? 4 रेजिस्टेंस है. इसको हमको ब्रेक किस में करना है? 1 रेजिस्टेंस बनाना है. ठीक है, तो इसको अगेन आप देखेंगे सर्किट डायग्राम को, तो अभी किस में सभी रेजिस्टेंस कनेक्टेड है? पैरेलल में, राइट? यहाँ से आप देख रहे हैं करंट सभी में डिवाइड हो रहा है ना, तो सब जब ये पैरेलल में कनेक्टेड हैं तो आर पैरेलल का फॉर्मूला लाएंगे 1 upon R P parallel 1 upon R1 plus 1 upon R2 plus 1 upon R3 plus 1 upon R4. ओके, दिस इज फॉर्मूला फॉर पैरेलल. तो अब इन सभी का वैल्यू हम अगर राइट करते हैं तो क्या होगा? 1 upon R equal to 1 upon 10 plus 1 upon 20 plus 1 upon 30 plus 1 upon 40. एलसीएम कितना होगा? 40. तो ये जाएगा 4 plus एलसीएम आपका होगा कितना? 120. Okay, 120 एलसीएम हो गया, तो आ जाएगा 12 प्लस, फिर आ जाएगा 6 प्लस 4 प्लस 3, राइट? इतना गया. जब इतना आ गया तो फिर इसके बाद क्या हो जाएगा? 1 अपॉन आर इक्वल टू, आप ऐड करिए सभी को, 25 अपॉन 120. जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो कितना जाएगा? 5 अपॉन कितना होगा ये? 22. देन R इक्वल टू कितना आ जाएगा? इसको जब रिवर्स करेंगे तो R इक्वल टू 22/5, R इक्वल टू 4.4 ओम. ओके, इसका जो टोटल वैल्यू होगा इस सर्किट का वो कितना हो जाएगा? 4.4 ओम. मींस 10 ओम के सभी रेजिस्टेंस हैं. जब आपने इसको एक रेजिस्टेंस में कनेक्ट कन्वर्ट किया, चेंज किया, तो इसका वैल्यू कितना होगा? 4.4 ओम. तो देखा बच्चों आपने कि यहाँ पर हमने सीरीज का भी इस्तेमाल किया और पैरेलल का इस्तेमाल किया. अब ये फिक्स नहीं है कि हमको पहले सीरीज का करना है या पैरेलल का, हमें डायग्राम के अनुसार, सर्किट के अनुसार कौन सा सीरीज का लगाएं या पैरेलल का लगाएं कि जिससे आसानी से ब्रेक होता चला जाए. तो हमने सबसे पहले यहाँ पर सीरीज का लगाया, हमारा सर्किट स्मॉल हो गया. ठीक है, एक और आपको इसी तरह से सलूशन आपको दिखाऊंगा कि वहां पर आपको पैरेलल में सॉल्व करना होगा. ओके, अब यहाँ पर आप एक देख रहे हैं डिफरेंट टाइप का सर्किट. इससे पहले जो बताया था मैंने आपको कुछ अलग टाइप का था, यहाँ पर भी कुछ से अलग है, हटके हैं. अब दोनों सर्किट में आपको, जब आप इन दोनों को सर्किट को देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा क्या कि हमें सॉल्व पहले सीरीज का लगा के करना है या पैरेलल का लगा के करना है. अब यहाँ पर आप देख रहे हैं डायग्राम, यहाँ पर ये इसके एंड पॉइंट ए एंड ये बी हो गया आपका. ओके, और सपोज दिस इज रेजिस्टेंस आर वन, आर टू, आर थ्री, आर फोर, आर फाइव, आर सिक्स, आर सेवन, आर एट, आर नाइन एंड आर टेन. ये
also 10 resistance. Okay, combination of series and parallel circuit. Okay. तो अब यहाँ पर भी आपको अपना माइंड रन कराना है, लगाना है कि हमें पहले सॉल्व किधर से करें, ब्रेक किधर से करें कि हमारा सर्किट स्मॉल होता जाए. कि अब ये लेके पकड़ लेंगे कि हम पहले सीरीज लगाना है या ये पकड़ लेंगे पैरेलल का लगाना है, तो उसमें कंफ्यूजन होगा. आप पहले स्टार्टिंग इस इंच से करिए, इस इंच से करिए कि जहाँ से सर्किट आपका स्मॉल हो उस पर ब्रेक हो सके. और सभी रेजिस्टेंस का जो वैल्यू है R1=R2=R10=120 ohm. ओके, ऑल रेजिस्टेंस द वैल्यू ऑफ ऑल रेजिस्टेंस इज 120 ohm. ओके, व्हेन यू स्टार्ट टू दिस पॉइंट देन यू सी दैट व्हेन करेंट पासेस थ्रू दिस रेजिस्टेंस आर वन, ओके इट्स सम वैल्यू. अगेन ऑन दिस पॉइंट करेंट डिवाइडेड इन टू पार्ट्स because here are two resistance. Okay, again current forward to next step, then here divided in three parts. ठीक है, अगेन आप देख रहे हैं यहां पर आकर के ये फोर पार्ट में डिवाइड हो रहा है, राइट. तो इस तरह से हमारा करेंट स्टेप वाइज स्टेप सेमी में डिवाइड हो रहा है. तो इससे हमें ये पता चल गया कि ये रेजिस्टेंस यहाँ पर हमारा करंट डिवाइड हो रहा है, तो ये किसमें हो गए पैरेलल में. ये यहाँ पर भी डिवाइड हो रहा है, ये भी क्या हो गया पैरेलल में. ये इसमें भी डिवाइड हो रहा है, पैरेलल में हो रहा है. तो आपको अब ये देखने पे लग रहा है कि हम अगर इस सभी सर्किट को सॉल्व करते जाए, यहाँ से इसको ब्रेक करें, यहाँ से इसको ब्रेक करें, तो हमारा ये जो सर्किट होगा स्मॉल हो जाएगा. ठीक है, तो ये जो पैरेलल में कनेक्टेड है रेजिस्टेंस R7, R8, R9, R10 पैरेलल में कनेक्टेड है, वैसे ही R4, R5, R6 पैरेलल में है, R2, R3 पैरेलल में. तो इन सभी को सॉल्व करके हम इनके रेजिस्टेंस को एक रेजिस्टेंस बना सकते हैं. ये भी एक हो जाएगा और ये भी एक हो जाएगा. फिर इसके बाद सर्किट डायग्राम जो आप देखेंगे तो उसको से आपको समझ में आ जाएगा कि रेजिस्टेंस किस में कनेक्टेड है. ठीक है, लेट्स स्टार्ट. तो ये सभी रेजिस्टेंस जो होंगे आपके R7, R9, R10 ये पैरेलल में है. तो इसका वैल्यू क्या होगा, 1/R=1/R7+1/R8+1/R9+1/R10. ठीक है, तो 1/R=1/120+1/120 सभी 120 के हैं. 1/R=4/120 या R=120/4 देन R=कितना हो जाएगा, कितना 30 ohm. ठीक है, मैं जब आपने इसको ब्रेक किया इस सभी रेजिस्टेंस को तो इसका वैल्यू आ गया 30 ohm, राइट. वैसे ही जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो इसका भी वैल्यू आ जाएगा. यहाँ पर 4 रेजिस्टेंस है, यहाँ पर 3 रेजिस्टेंस है. जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा आपका R=टोटल इनका 40 ohm, राइट. ऐसे ही पैरेलल का फॉर्मूला लगाइए, 1/20+1/20+1/20 करेंगे तो ये आपको दे देगा 40 ohm. वैसे जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये आपको दे देगा कितना, 60 ohm. 1/R=1/20+1/20 जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये 60 ohm हो जाए. तो ये कन्वर्ट हो गया एक रेजिस्टेंस में, ये भी कन्वर्ट हो गया एक रेजिस्टेंस, ये भी आपका एक रेजिस्टेंस में. तो इसके बाद जो सर्किट डायग्राम होगा वो कैसा होगा, कुछ इस तरह से होगा. ये आपका R1 है, ये पॉइंट A है. जब आपने चेंज किया इसको तो ये कितना आ गया 60 ohm है, ये 120 है. फिर इसको आपने जब चेंज किया तो कितना है 40 ohm है. फिर इसको जब आपने कन्वर्ट किया चारों को तो कितना आ गया 30 ohm. और आपका ये लास्ट में बी पॉइंट. अब आपको आसानी से डायग्राम समझ में आ रहा है, इससे देखने से आपको खुद पता चल जाएगा कि रेजिस्टेंस आपका सीरीज में है कि पैरेलल में. किसमें है, सीरीज में. चारों रेजिस्टेंस किसमें कनेक्टेड है, सीरीज में है. तो सीरीज का फॉर्मूला लगा दीजिए, R=R1+R2+R3+R4. तो जब आप सभी को ऐड करेंगे 120+60+40+30 तो आपका आ जाएगा कितना 250 ohm. आप इसको ऐड करिए तो ये आ जाएगा टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस
इस सर्किट का कितना हो गया 250 ओम। जब आपने इतने बड़े सर्किट डायग्राम को ब्रेक किया तो आपका आ गया टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, केवल एक रेजिस्टेंस हो गया। चाहे तो आप उस सर्किट को ड्रॉ करेंगे तो कुछ इस तरह से होगा, ये आपका पॉइंट ए हो गया, ये पॉइंट आपका बी हो गया, ये रेजिस्टेंस जो टोटल कन्वर्ट होकर आ गया कितना 250 ओम, ये हो गया। ठीक है, तो कितना भी बड़ा आपका रेजिस्टेंस सर्किट हो आप उसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। और इन दोनों क्वेश्चन से आपको समझ में आ गया होगा कि पहले हमें ये बात फिक्स नहीं है कि सीरीज का ही सॉल्व करना है कि पैरेलल का, जहां से हमारा जिस कॉम्बिनेशन से सर्किट हमारे जो है स्मॉल हो जाए। पहले वाले में आपने देखा कि हमने उसमें सीरीज को सॉल्व किया था, और यहाँ पर आप देख रहे हैं कुछ रेजिस्टेंस हैं इनको हमने पैरेलल में सॉल्व किया पहले। ओके ओके, थैंक यू।